अनुष्का आज तो जहर उगल रही हैं आप, आते ही जो ढावा बोला है अम्मा जी पर, आखिर कह सकते हैं कि खून तो उन्हीं का है, तो उन पर ही निकल पड़ा हमारा गुस्सा। गुस्सा निकलना तो था ही एक दिन, इस बार इस वजह से निकला है कि अम्मा जी जो कर रही हैं वो प्रॉब्लम्स बढ़ाती जा रही है अनुष्का के लिए। तो अनुष्का सिर्फ यही कहने आई है कि अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्रॉब्लम बढ़ाओ मत, बिकॉज बहुत कोशिश करी अनुष्का सब ठीक करने की और वो अम्मा जी करने नहीं दे रही हैं। क्या वजह से आज आप यहाँ आई हैं, किसको वापस? आज यहाँ मैं कोमल को वापस ले जाने आई हूँ, जिसे अम्मा जी ने किडनैप कर रखा है। और कुछ किया नहीं है अम्मा जी ने, सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए हमें धमकियाँ मिली थी कि ऐसा कुछ हो गया है, बट वहाँ जाके नाउ लेट्स सी व्हाट कोमल डज, दैट विल बी अ बिगर ड्रामा। बट काफ़ी नाराजगी कम दूर करने की कोशिश की अम्मा जी ने आपसे? बहुत ज़्यादा कोशिश की अम्मा जी ने, लेकिन उनकी कोई भी सफाई उस लेवल की नहीं है कि उनके किए गुना पे पर्दा डल जाए, यू नो। बहुत कुछ किया है उन्होंने, और उनके कन्विंस करने से या सिर्फ दो तीन बार सॉरी बोलने से आई डोंट थिंक उनकी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। सो वो कन्विंस करती रहेंगी, बट अनुष्का भी अपने स्टैंड पे खड़ी रहेगी, एंड आई थिंक शी विल बिलीव इन व्हाट शी बिलीव्स। लास्टली अनुष्का, आप लेके जाने वाली थी कोमल को, बट आप देख रहे हैं आप शायद शांत से बैठ के खाना खा रही है, तो क्या ये आपकी ट्रिक है कि थोड़ा मैं धीरे धीरे करके? अब सरोजा मौसी ने खाना बनाया है, मेरी जो नफ़रत है, मेरी जो मेरा जो गुस्सा है वो अम्मा जी से, सरोजा मौसी से नहीं। तो उन्होंने जो खाना बनाया उस रिस्पेक्ट के लिए, मकर संक्रांति उस रिस्पेक्ट के लिए वो बैठी वहाँ पर, और अम्मा जी ने ऐसे ही नॉर्मल बात करने की भी कोशिश की, तब भी बहुत ही रूडली एक ताना मार दिया है अनुष्का ने। सो शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन व्हाट अम्मा जी हैज़ टू से, बट ओनली वो सरोजा मौसी ने बनाया है वो खा के निकलेगी, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू।